हाय, माय नेम इज उदय एंड वेलकम टू एमएलटी लैब। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ह्यूमन डिजीज क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, मानव शरीर में दो प्रकार की बीमारी होती है। एक वो बीमारी जो हमें माँ के पेट से होता है, और दूसरा बीमारी जो हमें पैदा लेने के बाद, जो है बड़े होने के बाद होता है। तो जो दो प्रकार की बीमारी होगी वो होगी, एक होता है कॉन्जेनाइटल डिजीज, जो आपको बाय बर्थ होता है, जो माँ के पेट में हो जाता है, जो पैदा लेने से पहले ही हो जाता है। और दूसरी बीमारी जो होती है, जो एक्वायर्ड डिजीज होता है, जो आफ्टर बर्थ होता है, यानी कि जो पैदा लेने के बाद होता है, जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया। जो कॉन्जेनाइटल डिजीज होता है वो जेनेटिक बीमारी होती है, जैसे कि आपका हीमोफीलिया हो गया, या कलर ब्लाइंडनेस हो गया, क्रोमोसोम डिसऑर्डर हो गया, जैसे डाउन सिंड्रोम। तो ये सब जो होता है वो उसको बोलते हैं हम कॉन्जेनाइटल डिजीज, जो माँ के पेट में हो जाती है या जेनेटिक प्रॉब्लम के वजह से होता है, तो होता है कॉन्जेनाइटल। और जो पैदा लेने के बाद होते, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, डिफिशियंसी हो गया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब जो होता है वो एक्वायर्ड डिजीज होता है, जो हमें पैदा लेने के बाद होता है। तो इसमें भी है दो प्रकार के बीमारी होती है। तो एक्वायर्ड डिजीज में है दो प्रकार की बीमारी होती है, एक होता है आपको इन्फेक्शियस, दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को ही कॉम्युनिकेबल भी बोला जाता है, और नॉन इन्फेक्शियस को नॉन कॉम्युनिकेबल भी बोला जाता है। कॉम्युनिकेबल का मतलब होता है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं कॉम्युनिकेबल। और जो नॉन कॉम्युनिकेबल का मतलब होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी न हो। और इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि, जो इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज से हमें बीमारी हुई है जो हमें बाहरी तत्व, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, तो किसी हमें फॉरेन एलिमेंट से जो हमें बीमारी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस। और वो जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है, जो हमारे शरीर के किसी डिसऑर्डर के वजह से हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल। तो इन्फेक्शियस जो होता है वो दो प्रकार के बीमारी होती है, एक होता है आपको कॉन्टाजियस। तो कॉन्टाजियस का मतलब होता है जो ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट स्प्रेड होता है, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, जैसे कि आपका हो गया टीबी हो गया, जैसे कोविड हो गया, या एचआईवी हो गया, या हेपेटाइटिस हो गया। तो ये सब क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, यानी कि जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या किसी चीज में कॉन्टेक्ट में आने से डायरेक्टली हो जाता है, बहुत इजिली फैल जाता है, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्टाजियस। दूसरा जो होता है इन्फेक्शियस में, वो होता है हमारा जो है सॉरी नॉन कॉन्टाजियस। नॉन कॉन्टाजियस जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के लिए डायरेक्ट नहीं फैलता, यानी कि उसको जो है किसी मीडियम माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका स्प्रेड बाय वेक्टर, जो वेक्टर से होता है। वेक्टर का मतलब हो गया कोई ऐसी, जैसे मच्छर हो गया, जैसे कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, या मलेरिया हो गया। तो अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया है, मलेरिया क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन जो है लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने के लिए डायरेक्ट नहीं होता, इसके लिए जो किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका मच्छर हो गया। तो जब किसी व्यक्ति को अगर डेंगू है, जैसे मान लीजिए अगर मेरे को डेंगू है, और अगर मेरे को जो है कोई मच्छर काट लिया, और वो मच्छर किसी और दूसरे व्यक्ति को काटेगा, तो उसको भी जो है वो बीमारी हो सकता है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया हो सकता है। तो इसमें जो है हम दोनों के बीच में जो मीडियम हुआ वो क्या हुआ, आपका मॉस्किटो, यानी कि मच्छर हुआ। तो इसी बोलते हैं नॉन कॉन्टाजियस, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट नहीं फैलता, किसी माध्यम से फैलता है। समझ गए होंगे इन्फेक्शियस का मतलब, समझ गए होंगे कि जो हमें बाहरी एलिमेंट से बीमारी होती है। और नॉन इन्फेक्शियस में बीमारी अगर हम देखें, जिसको नॉन कम्युनिकेबल बीमारी बोलती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, तो इसमें होता है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। डेफिशिएंसी डिजीज के, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया, या किसी प्रकार के आयरन डेफिशिएंसी हो गया, या किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो होता है। दूसरा होता है डिजेनरेटिव बीमारी, जो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फिजियोलॉजी की वजह से, ऑर्गन के डिसऑर्डर की वजह से, या ऑर्गन फेल्योर, किसी प्रकार की जो बीमारी होती है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो ये सब जो हो गया आपका ये डिजेनरेटिव डिजीज हो गया। और ये बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकता, जैसे एलर्जी हो गया, या मेंटल डिसऑर्डर हो गया, या कैंसर हो गया। तो ये बीमारी जो है एक व्यक्ति को है तो उसी व्यक्ति को बीमारी रहेगा, फैमिली या उसके कॉन्टेक्ट में आने वाले दूसरे व्यक्ति को बीमारी नहीं हो सकता है, इसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। तो ये था हमारा जो है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर। तो अगर हम उसके बेसिस पर बात करें ह्यूमन डिजीज के, कि ड्यूरेशन के बेसिस पे, कि कौन सी बीमारी कितना दिन तक रह सकता है, उसके बेसिस पे भी दो प्रकार की बीमारी होती है। ड्यूरेशन के बेसिस पे एक होता है एक्यूट, और दूसरा होता है आपको क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब है तो ऐसी बीमारी
जो कुछ समय के लिए रहते हैं, जैसे कि आपको महीना, 2 महीना, 2 दिन, आपको हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए रहता है, तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म डिजीज, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है एक्यूट डिजीज। और क्रॉनिक का मतलब हुआ कि जो ऐसी बीमारी जो काफी दिनों तक व्यक्ति को रह सकता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कैंसर हो गया, तो ऐसी बीमारी जो काफी दिनों तक रहता है, काफी दिनों बाद ठीक होता है, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक डिजीज। तो ये हो गया आपको ड्यूरेशन के बेसिस पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लिस्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है, और डिफरेंट टाइप के बीमारी के ऊपर और उसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। तो अलग अलग टॉपिक के, जैसे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी, फंगस से होने वाली बीमारी, ये सब सारा टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।